तो फाइनली होंडा अपनी 125 सीसी सेगमेंट में एक स्पोर्ट्स बाइक को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि होंडा कंपनी के पास 125 सीसी सेगमेंट में बाइक्स तो हैं, लेकिन दोस्तों होंडा कंपनी के पास 125 सीसी सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक का ऑप्शन नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होंडा अपनी 125 सीसी सेगमेंट में एक स्पोर्ट्स बाइक को बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट पे लॉन्च करेगी, जिसपे दोस्तों आप लोग को बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को इसी होंडा की ओर से आने वाली ऑल न्यू 125 सीसी सेगमेंट की बाइक के बारे में बताने वाला हूं कि इस बाइक को दोस्तों कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, साथ ही साथ बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होंडा कंपनी की ये जो 125 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक आ रही है, इसका दोस्तों नाम के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इस बाइक का जो नाम है ये आप लोग को हॉर्नेट 125 भी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों फीचर्स के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है कंप्लीट आप लोग को LED का लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग को हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बता दो कि बाइक पे आपको सेम वही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों आप लोग को होंडा SP125 पे देखने को मिलता है। बाकी बाइक पे दोस्तों आप लोग को CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। और सेफ्टी वाइज दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों हो सकता है कि आप लोग को कंपनी जो है इस बाइक पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो फ्रंट पे दोस्तों आप लोग को टेलीस्कोपिक का देखने को मिलेगा और रियर पे दोस्तों आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों सेम जो आप लोग को SP125 और Sign125 पे जो आपको इंजन देखने को मिलता है आपको वही इंजन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों बाइक पे आप लोग को 124 सीसी का एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन दिया जाएगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को बाइक पे जो है OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन दिया जाएगा, यानी दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग बाइक पे यूज कर पाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 10.72 BHP तक की पावर और 10.9 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि बाइक जो है दोस्तों ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसपे दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को माइलेज के बारे में बताऊँ तो लगभग दोस्तों आप लोग को 60 से लेकर 65 KMPL तक की इस बाइक से माइलेज देखने को मिलेगी। और यहीं पर अगर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में भी बताऊँ तो लगभग दोस्तों 1,20,000 रुपये के आसपास में आप लोग को इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को इस बाइक के लॉन्च के बारे में बताता हूं। तो इस बाइक को दोस्तों होंडा कंपनी इस साल के एंड तक में जो है हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर सकती है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।